वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं शुभम फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरा और एक नया ब्लॉग में। और भाई लास्ट 5 या 6 डेज से मेरा चैनल में एक भी वीडियो नहीं आया था। उसके पीछे का एक रीज़न है, रीज़न ये है कि ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। चल चूट खैर कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी आज जो मेरा प्लान है भाई, आज मेरा प्लान है कि मैं आज नॉर्थ कोलकाता की तरफ जाऊँ। लाइक सुबह बाजार हो गया, फिर शाम बाजार हो गया, अभी कहाँ जाऊँ वो तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। लेकिन जैसे कि मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था ना कि नेक्स्ट जो कंटेंट आएगा वो लाइक नॉर्थ कोलकाता के ऊपर में ही आएगा, और ये भी एक फूड ब्लॉग ही आएगा। अभी तक 4-5 कंटेंट तो मैंने सोच के रखा हूँ, लेकिन एक दिन में तो 4 या 5 कंटेंट तो मैं शूट कर नहीं पाऊँगा, एक ही कंटेंट आएगा। तो देखते जो अच्छा लगेगा वहीं पर ही चला जाऊँगा। फिलहाल टाइम तो हो गया लगभग 4:10, लेकिन भाई आज धूप देखो यार, लास्ट 6 दिन से बारिश हो रहा था और आज भाई देख लो भाई पूरा कड़क वाला धूप हो रहा है। अच्छा हुआ भाई मेरा कपड़ा वगैरह पूरा गीला हो गया था, आज फिर से उसको वॉश करके सुखाना पड़ा। खैर कोई नहीं, अभी निकलते बाकी का वक्त बाहर जाके करते। तो हाँ जी देख लो, मैं घर से तो निकल गया और घर से निकलते हुए ही मेरे को ऑटो भी मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा ऑटो भी खाली है, अगर साइड में कोई होता शायद मेरे को ब्लॉक करने के लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता। ऐसे सच बोले तो मेरे को अभी और कहीं पे अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा करीब आ रहा है ना, जैसे कि देख लो कोई आगे यार, कोई नहीं अभी वहाँ से चलते मेट्रो स्टेशन पहुँच के फिर मैं बाकी का बात करता हूँ। तो हाँ जी अभी फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ डमडम मेट्रो स्टेशन पे, और वहाँ से मेट्रो लेके मेरे को जाना है भाई श्याम बाजार। हाँ जी सही सुना आपने, आज मैं जा रहा हूँ श्याम बाजार, और कहाँ जाऊँगा सब कुछ मेरा फाइनल भी हो चुका है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई, देखो ये देख लो भाई, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये भाई डमडम मेट्रो स्टेशन, हमारा मेट्रो यहाँ से ही आएगा, फिर धीरे 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 करके अंडरग्राउंड में घुस जाएगा, पता नहीं कब आएगा। तो हाँ जी अभी मेट्रो से तो मैं निकल गया, और अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन से बाहर, और स्टेशन से बाहर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा श्याम बाजार। देख लो भाई ये है श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन, अभी देख लो भाई कितना खाली है ना भाई, कितना खाली है, जबकि आज वीकेंड भी है फिर भी भाई इतना खाली है। यही सेम स्टेशन मैं आपको दिखाऊंगा दुर्गा पूजा के टाइम में, ठीक है, इस साइड तो मैं ज़रूर आऊँगा। अगर स्पेशल ये वाला गेट होके मैं गया, कहीं भी कहीं से भी मैं जाऊँगा ना, कहीं भी गेट से, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना क्राउड रहेगा। तो हाँ जी स्टेशन से मैं आ चुका हूँ बाहर, और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ श्याम बाजार। देख लो भाई ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भाई श्याम बाजार, ये भाई हमारा मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4, मैं इसी स्टेशन से बाहर आया। और ये देख लो भाई यही तो है ना नॉर्थ कोलकाता का वाइब्स। आप इतने सारे वीडियो आप मेरे देखे होंगे न्यू टाउन में, लेकिन ऐसा कभी भी एक भी वीडियो में शायद आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन न्यू टाउन में जो जो कंटेंट में शूट किया उसमें आपको दिखने का मिलेगा ही नहीं, लेकिन ये सब ना भाई आपको नॉर्थ में दिखने को मिलेगा भाई। यही तो है ना नॉर्थ कोलकाता का वाइब्स, ये येलो टैक्सी और ये वाला रिक्शा। लेकिन सच में यार ये लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, अगर कभी आप इसमें ट्रैवल करते हो ना, ट्रैवल के लाइक वो लोग ज़्यादा दूर तक भी आपको लेके नहीं जाएंगे, पास में ही लेके जाएंगे, कभी उन लोगों से ना बार्गेनिंग मत करना, ठीक है। और अभी चलते हैं भाई जहाँ मेरे को जाना है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ मैं कहाँ जाना है, आज मेरा प्लान है जो ब्रोस कबाब है ना, ये काफ़ी फेमस कबाब है जहाँ तक मेरे को नाम सुना हूँ मैं, तो आज मेरा प्लान है वो प्लेस का कवर करने का, श्याम बाजार में ही है, पास में ही है। अभी यहाँ से चलते डायरेक्ट वहाँ पहुँच के ना वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। भाई ये जो घर वगैरह देख रहे हो ना, ये जो गली वगैरह आप लोग देख रहे हो, यही है भाई नॉर्थ कोलकाता का वाइब्स। इसके अंदर जितने भी सारे घर है ना, सब भाई पुराना पुराना घर है भाई, ये घर वगैरह दिख के भी आपको आइडिया लग गया होगा बहुत ही पुराना घर है भाई। तो हाँ जी देख लो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ मेरा लोकेशन में, और लोकेशन का नाम है ब्रोस कबाब। हाँ जी ब्रदर्स बिरयानी तो हमारा भुवनेश्वर में है, लेकिन ब्रोस कबाब नहीं था, तो जो कि ब्रोस कबाब हमारा कलकत्ता पे है और उड़ीसा पे ब्रदर्स बिरयानी है। नाम थोड़ा सा यूनिक है, लिखते भाई खाना यूनिक है या कैसा है भाई साहब? अभी अभी सर भैया ना अभी दुकान अभी अभी ओपन हुआ है ना, कितने बजे ओपन किया? 5 बजे। कितने बजे तक ओपन होता है?
मतलब जब तक माल है तब तक दुकान है ना। मेरे ऑडियंस को थोड़ा आपका लोकेशन बता दीजिए ताकि मेरा जैसा प्रॉब्लम ना हो। ऊपर का यूनियन ठीक है, दिखते भाई के पास क्या क्या है उसी के हिसाब से फिर ऑर्डर देते हैं। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो भाई, दुर्गा माँ का पेडल बन रहा है ना भाई, स्टेज बन रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना अभी बनते हुए। ये देख लो भाई, यही है ना सब कलकत्ता का रियल वाला भाई, ठीक है। ये पुराना वाला घर, आप अगर दिल्ली मुंबई जाओगे तो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी है, लेकिन भाई यही ना कल्चर है नॉर्थ का, अच्छा लग रहा है ना। तो हाँ जी देख लो, ये बुरोस कबाब का मेनू है, 100 रुपये का, ऊपर में तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस भट्टी का कुछ 120 है। ओ भाई साहब, और ये होल तंदूरी, दादा ये जो होल तंदूरी है ये किसका, चिकन का ही ना, चिकन का है, लेकिन इसको ऑर्डर देना पड़ेगा, कितने दिन उससे पहले, अच्छा सुबह 10 बजे से पहले ऑर्डर दोगे तो मिल जाएगा, 350 करके ही, अच्छा। ये भैया का मेनू कार्ड है, होम डिलीवरी नहीं है ना, वही तो। और आप लोग देख लो भाई, कुछ ऐसा ही मेनू है, देखते हैं मैं क्या ही ऑर्डर दूंगा, मैं भैया को ही पूछ लूंगा। भाई आपका स्पेशल क्या है, अच्छा ठीक है भाई, दिखते तो आपको मैंने मेनू कार्ड दिखवाई दिया, कुछ बढ़िया सा दिख के ऑर्डर देते। तो हाँ जी देख लो, अभी मैंने ये ऑर्डर दिया, ये है चिकन थाई, इधर चिकन थाई है ना, और ये है भाई चिकन ड्रम, ये चिकन ड्रम तो भाई ये मेरा पार्सल हो जाएगा, ये किसी और के लिए है, और इसको मैं ट्राई करके आपको बताऊंगा। दोनों का मसला सेम ही है, पहले ना ये दोनों मिलके ही बना रहे थे, ठीक है, टोटल 120 ले रहे थे, बड़ा वाला पीस था, लेकिन काफ़ी सारे कस्टमर का रिव्यू आया कि नहीं, वो बीच में थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है, तो इसीलिए भाई ने क्या ना अलग कर लिया, प्राइस भी साथ साथ करके रख लिया, जिसको अच्छा लगेगा वो थाई ट्राई करेगा, जिसको ड्रम अच्छा लगेगा वो ड्रम ट्राई करेगा, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। फिलहाल ये दुकान देख लो भाई, बड़ा है भाई, स्ट्रीट फूड के हिसाब से बड़ा है भाई, देख रहे हो भाई। और भाई देख लो, ये फाइनली मेरा चिकन थाई मिल चुका है भाई, अच्छा खासा टाइम लगा भाई ने, लेकिन कम से कम 40 मिनट्स के बाद मेरे को मिला भाई, और दिख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और एक अच्छा सा ना फ्रेगनेंस भी आ रहा है, हालांकि मैं उसको वीडियो में प्रेजेंट कर नहीं पाता हूँ, लेकिन एक अच्छा सा फ्लेवर का स्मेल आ रहा है भाई, अच्छा है भाई। चलो अभी ज़्यादा बकबक नहीं करते, इसको ट्राई करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा टेस्ट कैसा है क्या नहीं। चलो जी अभी सबसे पहले ना इस चिकन को ट्राई करते हैं, भाई ने तो ऊपर में मतलब सारी की सारी चटनी प्याज दे दिया, फर्स्ट क्लास लग रहा है यार, स्मोकी का ना एक फ्लेवर आ रहा है, और चिकन जो है ना जितना बॉयल होना चाहिए ना बिल्कुल उतना ही बॉयल हुआ है, जो स्मोकी का फ्लेवर आ रहा है ना असली जादू वही करता है, ना ज़्यादा तीखा आपको मिलेगा ना ज़्यादा नमक है, कुछ भी नहीं है भाई, मसला पूरा बिल्कुल बैलेंस है यार। और 60 रुपये के हिसाब से ना आप एक बार साइज देख लो भाई, भाई कितने ग्राम, कम से कम 100 ग्राम का तो पीस होगा इधर, 200 ग्राम का ऊपर है, 200 ग्राम भाई साहब, 60 रुपये के हिसाब से तो भाई ये काफ़ी अच्छा है भाई, स्ट्रीट टेबल के भाई ने 60 रुपया ले रहे हैं, अगर यही चीज़ ना आप कोई रेस्टोरेंट में खाओगे ना कम से कम आपको वो लोग 200-250 तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। और चिकन देख लो भाई, पूरा हाथ लगाने से निकल जाता है, अच्छा खासा बॉयल करके रखा है, अच्छा लग रहा है भाई। अगर आप लोग कभी भी आ रहे हो ना संभाजा, एक बार ब्रोस कबाब जरूर विजिट करना, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, सॉरी अगर आप लोग कभी बाग बाजार आ रहे हो तो आप लोग जरूर एक बार ब्रोस कबाब विजिट करना। एक्चुअली मैंने क्या किया ना, संभाजा का मेट्रो से उतर के वॉक करके आया ना, तो इसलिए मैं संभाजा बोल दिया, ताकि टेस्ट ना उनका फर्स्ट क्लास है भाई, फर्स्ट क्लास है। कोई नहीं, अभी इसको ख़त्म करते, फिर अगर और कुछ मैंने ऑर्डर दिया वो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इसको ख़त्म करते। तो हाँ जी, जैसे कि आपने देखा हो जो चिकन थाई मैंने ट्राई किया, नो डाउट टेस्ट उनका काफ़ी बढ़िया था भाई, काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली भाई 60 रुपये के हिसाब में
जबरदस्त। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी अगर आप बाग बाजार की तरफ आ रहे हो ना, जरूर एक बार विजिट करना। स्पेशली पूजा के टाइम में विजिट करोगे ना तो आपको और भी अच्छा लगेगा। वो ठाई ख़त्म किया वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। और अभी मैं उधर एक आचार्य भाई को बोल दिया, भाई मेरा कितना टाइम लगेगा, सॉरी लाहौरी बोल दिया, मैं खुद ही कन्फ्यूज हो जाता हूँ। सॉरी यार, अच्छा मेरा लाहौरी और कितना टाइम लगेगा, 5 से 6 मिनट। ठीक है, वहाँ मेरा लाहौरी भी बन रहा है, ये जब बन जाएगा उसी को भी टेस्ट करके मैं आपको बता रहूँगा कि ये कैसा है क्या नहीं। ठीक है, तो हाँ जी देख लो भाई, वहाँ से मैं थोड़ा टाइम कंटेंट शूट करने के लिए ही खड़ा हुआ और पसीना से मेरा हालत ख़राब हो गया। और भाई को देखो यार, इतना टाइम खड़ा होकर बना रहे, मानना पड़ेगा यार, रियली यार बहुत मेहनत करते हैं। मेरे को अभी एक चीज़ पता चलता है भाई, एक एक रुपया कमाने के लिए आदमी को कितना मेहनत करना पड़ता है। और एक सबसे अच्छा मेरे को इस दुकान से लगा कि दुकान का नाम है ब्रोस कबाब। और अभी मैं तब से नोटिस कर रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ, ये लोग जब से आपस से दोनों आदमी बात करते हैं ना, कोई भी एक दूसरे का नाम लेके बात नहीं करता है, ये भाई कह के बात करता है, जो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। लाइक दुकान का नाम भी है ब्रोस कबाब और उनका जो स्टाफ है भाई, आप लोग को स्टाफ है या फिर सारे के सारे भाई? अच्छा अच्छा मिला के खुले हो, लाइक आपका भाई और दोस्त, अच्छा इसलिए दुकान का नाम ब्रोस कबाब। तो भाई देख लो, भाई और भाई का दोस्त सब मिलके खुले हैं, पार्टनरशिप का दुकान है, लेकिन कोई भी एक दूसरे का ना नाम पकड़ के नहीं बुला रहे, और कोई भाई भाई कह के बुला रहे। तो ऑलरेडी देख लो, लगभग 10 मिनट के बाद फाइनली मेरे को मेरा लाहौरी चिकन कबाब मिल चुका है। और उसके ऊपर में ना भाई ने थोड़ा सा चीज ऐड किया, बोला चलो ठीक है ये भी ट्राई करके बता देंगे आपको कैसा है क्या नहीं। पहले ना उसी को मैं ट्राई कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा। भाई अभी मैं इनका लाहौरी चिकन कबाब ट्राई किया, ट्रस्ट में भाई इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा, ट्रस्ट में बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रहा है चिकन। तो फर्स्ट बात यह है कि चिकन बिल्कुल फ्रेश है और बॉयल भी ठीक ठाक हुआ है जितना होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ना, इनका तुम चाहे लाहौरी ट्राई करो या फिर चिकन फ्राई ट्राई करो, तुमको ना भाई जो मतलब जो मसला है ना, ये नहीं कि ज़्यादा मसालेदार है, मसाला बिल्कुल बैलेंस करके रखा है। एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको कोई भी खा पाएगा। ऊपर से चीज़ भी डाल के दिया है ना, मुंह में जाते ही चीज़ पूरा कहाँ गायब हो जाता है, ज़बरदस्त है भाई। तो भाई देख लो, खाना पीना हो चुका है ख़त्म, मैंने पार्सल भी करवा लिया थोड़ा बहुत। और भाई साहब, भाई का जो बिहेवियर है ना, सच में यार कबाब से ज़्यादा अच्छा मेरे को उनका बिहेवियर लगा। सच में यार भाई, आपका बिहेवियर, आपका वो दादा का भी, आप लोगों का बिहेवियर मेरे को सबसे अच्छा लगा। आप मेरा जितने भी सारे ऑडियंस है, आएगा कोई ना कोई तो आएगा, जरूर ही आएगा, अच्छा था। और आपका प्राइस के हिसाब से आपका कबाब भी भाई बहुत ही अच्छा था। आपका नाम क्या है भाई? अक्षय। अच्छा ठीक है भाई, जब भी ब्रो कबाब आओगे ना, ये अक्षय भाई को जरूर मिलना, काफी अच्छा बंदा है भाई, अच्छे से मेरे को खिलाया। तो वहाँ जी देख लो, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ श्याम बाजार पे। भाई साहब वहाँ का जो ट्रैफिक है ना भाई, अलग ही टाइप का ट्रैफिक है। और अभी मेरे को ना रोड क्रॉस करके उस तरफ जाना है, लेकिन भाई गाड़ी तो कंटिन्यूसली आ रहा है यार, देखते भागते 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 भागो 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 शुभम भागो। चलो भाई अभी भागते यार, फिर उधर भी ट्रैफिक, रुक जा भाई रुक जा। अभी इसके अंदर में घुस के जाना पड़ेगा आपको। और भाई देख लो, फिर मेरे सामने में रूपा होटल, इसके ऊपर में ना एक अलग सा ही कंटेंट में निकल के लाऊंगा, इसके ऊपर एक स्पेशल कंटेंट आएगा भाई। थोड़ा सा रुको, वेट करो, बस सबर करो थोड़ा, और मेरे को जाना है उस तरफ। देख लो भाई, फिर से ट्रैफिक लग गया यार, हो गया यार। तो हाँ जी, अभी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, अभी मैं आया था ये बासा मोमो पे उनका भेट्टी मोमो ट्राई करने के लिए। और उनका टेस्ट भी मैं जितना बार सुना हूँ कि काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि क्राउड दिख के भी आपको आइडिया लग गया होगा, ओबियसली अच्छा होता ही होगा। लेकिन जो भेट्टी मोमो खाने में आया था ना, ये अभी ख़त्म हो चुका है। ये मेरे को बोले कि बस आप थोड़ा सा लेट कर ले, अगर आप लोग अगर आप 15 या 20 मिनट पहले आ जाते ना, तो अभी आपको मिल जाता, लेकिन आपको अभी नहीं मिलेगा। देख लो भाई, ओपट हो गया यार रेट पूरा। तो भाई और भी काफ़ी सारे जगह में भेट्टी मोमो मिल रहा था, लेकिन भाई वहाँ नहीं, एक यूट्यूब का वीडियो में भी मैं देखा था,
और बंदा भी बोला था कि उनका टिम मोमो इवनिंग पे नहीं मिलता है और आपको आना है ना, आप 3 बजे 4 बजे के अंदर आ जाना। कोई नहीं, किस्मत में नहीं है तो क्या करें, चलते भाई। और भाई ये गोलबारी एक टाइम में इसी का काफ़ी अच्छा नाम था, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। एक गुलबारी का कसा मांस और रुमाली, लेकिन भाई अभी जहाँ तक मैं वीडियो में और रिव्यू वगैरह में और आइडिया है मेरे को, अभी और बढ़िया नहीं है, बेकार हो गया। चलते हैं भाई। और अभी पूजा के लिए देख लो भाई मार्केट का क्राउड। दादा दादा बोल ची कि मेट्रो स्टेशन तक कौन दिखे? वही दिखे जाए अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। अभी मैं ऐसे मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा था हेवेला रोड पे, और सामने में दिखा है दादा का दुकान। दुकान का नाम तो कुछ है लेकिन बंगाली पे लिखा हुआ है ना, वो तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। बाकी रसगुल्ला भाई बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है यार। और मालपुआ भी है, काफ़ी सारे ऑप्शन है। वहीं से सोच रहा हूँ एक रसगुल्ला और एक सोनपड़ी, और एक मन करेगा तो मालपुआ, नहीं तो ये दो ट्राई कर लूँगा। भाई अभी मैं ये वाला रसगुल्ला ट्राई किया दादा के पास, मैं लिटरली बता रहा हूँ कलकत्ता का वन ऑफ द बेस्ट रसगुल्ला मैं भी वहीं पे मिलता है। मैं केसीदास, दादा मैं केसीदास में भी रसगुल्ला ट्राई किया था, ठीक है, वहाँ पर भी ना उतना अच्छा रसगुल्ला नहीं मिल रहा है। आपका दुकान का नाम क्या है बताइए तो? नीतू गोपाल मिष्टान भंडार। अच्छा, कितने साल हो गया दुकान को? 50। वो अच्छा, एक काम कीजिए ना, ये वाला मीठा आप पैक कर दीजिए। तो हाँ जी, वो मिठाई ख़त्म करके मैं फिर से आ गया मेट्रो स्टेशन, टिकट भी ले लिया। अभी फिर से जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ, और अभी ज़्यादा दिन भी यही भी नहीं है अभी मेरे पास कलकत्ता पे। कलकत्ता को अभी बहुत ही जल्दी टाटा है, बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। अभी है, फिर भी है थोड़ा बहुत टाइम है, ठीक है, और वहीं पर आएगा हमारा मेट्रो। तो हाँ जी, कल रात था और मैं वीडियो को एंड कर नहीं पाया क्योंकि भाई क्या ही मैं बताऊँ, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। और भाई मैं रूम पहुँचते थोड़ा बहुत लेट भी हो गया था क्योंकि रोड पे एक दो काम भी था मेरा। और भाई कल रूम में पहुँचने के बाद ना मेरा बॉडी में पता नहीं ना सा सर दर्द कहाँ से आ गया, मेरे को खुद ही पता नहीं। लिटरली बता रहा हूँ भाई, जो मैं कल सोया हूँ ना, अभी तक भी मेरा आँखों में थोड़ा बहुत करके नींद है। सच बोलूँ तो मेरे को सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन क्या ही करूँ भाई, हो गया। और अभी मैं वाला वीडियो को एंड करता हूँ। आज तो कहीं जाने का प्लान नहीं है क्योंकि आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है। मैच तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया लेकिन मैं बस स्कोर ही चेक किया था। एक काम करते हैं, वाला वीडियो कहीं पे एंड कर लेते हैं। वीडियो अभी तक एडिट भी नहीं हुआ है लेकिन एक घंटे के अंदर मैं वीडियो को अपलोड कर ही लूँगा जैसे तैसे करके। तो यहीं पर वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 एक वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल का सब्सक्राइब कर लिया करो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।